वंडर साहब आप लोग गाइज मुझे रोते हुए क्यों देखना चाहते हो? लाइक मैं ऑलरेडी इतनी इमोशनल लड़की हूँ, इतनी इतनी बातों पे मुझे रोना आ जाता है. आप लोगों के लिटरली इतने डीएम्स आए मुझे इंस्टाग्राम पे, इतने मैसेजेस आए कि वी वांट टू सी यू डू ट्राई नॉट टू क्राई चैलेंज. तो मैंने सोचा कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें ये चैलेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं कितनी जल्दी रो सकती हूँ. हर्ष ने सिलेक्ट करी है कुछ मिक्स ऑफ एनिमेशंस एंड सैड सैड एड्स जो कि मैंने अभी तक बिल्कुल भी देखी नहीं है, और उसने मुझे पहले वॉर्न करा है कि ये इमोशनल वीडियोस होने वाली हैं. सो लेट्स सी, लेट्स जंप इनटू द चैलेंज राइट अवे एंड देखते हैं कि मैं कितनी जल्दी रोती हूँ और रोती भी हूँ या नहीं. बाय द वे गाइस, आप कितने इमोशनल हो अपनी रियल लाइफ में? लाइक आपको जल्दी से रोना आ जाता है या नहीं आता है मुझे जरूर बताना कमेंट्स में. और मुझे ये भी जरूर बताना कि कौन सी वीडियोस देख के आपको एक्चुअली यहाँ पे लगी और रोना आया या नहीं. सो एक वाइट डॉग अंदर आ रहा था बट उसको धक्का मार के चार और डॉग्स पहले अंदर चले गए. केनाइन यूनिवर्सिटी. सो यहां पे ये पपीज की एकेडमी है एंड वो अपना एडमिशन कराने आया है. अब उसकी हाइट चेक कर रहे हैं. सो क्यूट. ओके, गो इनसाइड. पिप स्टोरी का नाम है पिप. सो डॉग्स की एक क्लास दिखाई है, एक क्लास पे सारे डॉग्स है एंड अब टीचर उनको डॉग्स को कुछ कुछ सिखा रही है. उप्स, मशीन्स है खाना आने के लिए. तो डॉग को अभी समझ नहीं आ रहा है. फिर से टीचर को गिराती है. ये डॉग जो है ये उन स्टूडेंट्स की तरह है जो कि मेरे जैसे होते हैं. जिनको सब कुछ सीखने में टाइम लगता है. उप्स, वो सीख नहीं पा रहा. उसने अपनी फैमिली ढूंढ लिया आई गेस. अब वो हर काम प्रॉपरली कर पा रहे हैं. एंड फाइनली एग्जाम्स वाला दिन आ गया है. कम हेयर, सबसे छोटी हाइट इसी की है ना. अब इसका टेस्ट हो रहा है. टीचर इज इम्प्रेस्ड. नो, क्या हुआ डॉगी आपको? उसको निकाल दिया एग्जाम हॉल से बाहर. डॉग रो रहा है. एंड सडनली बाहर एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया है. एक ब्लाइंड लेडी जा रही है एंड शी नीड्स हेल्प. ओह, सो द पप, वो पप हेल्प कर रहा है उसको क्रॉस कराने में. परहैप्स वहां पे टेस्ट में फेल हो गया बट रियल लाइफ में उसने उसको क्रॉस करा दिया. हाउ स्वीट. Everybody's happy. Look, and he finally got the cape. उसको collar मिल गया है. And he's so happy. So the message behind the story is that हमारे dogs जो होते हैं वो हमारी everyday life save कर रहे हैं. कभी हमें हंसा के, कभी हमारे साथ खेल के, कभी कुछ करके. Yeah, it's so good, it's so cute and such a nice story. And now I'm so emotional. चलो next story देखते हैं. Snow.
सो अभी एक फैमिली पिकनिक कर रही है और उनका डॉग है उनके साथ और जो बच्ची है उनकी फैमिली में छोटी सी लिटिल डॉटर वो बॉल खेल रही है डॉग के साथ. दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं. स्टबर्न डॉग, वेरी स्टबर्न. ओके, आई डोंट नो कि डॉग्स कैसे बिहेव करते हैं बिकॉज आई डोंट हैव अ डॉग. वन डे आई विल हैव अ डॉग. सो अब डॉग ने जो है जो बलून्स और बड़ी डिफरेंट शेप्स के जो बलून्स लेके आते हैं उन अंकल को देखा है और वो उनके पास जा रहे हैं. एंड डैड फॉलो कर रहे हैं बट ओ कम ऑन डोंट रन अवे, मत जाए यार, ये डॉग ऐसा क्यों कर रहे है. ओह शिट, वो खो देंगे इसको और ये घूम जाएगा. ओह नो, वो रुक ही नहीं रहा यार. लॉस्ट. ओह द गर्ल इज क्राइंग. डॉग को क्या जरूरत थी जाने की यार. एक्चुअली नाउ एक बेकरी है एंड डॉग उसकी बेकरी के बाहर, उसके पास टॉय ले लिया था उसने वो बलून वाले से एंड वो टॉय के साथ सो रहा है. एंड एक गंदे अंकल आए हैं डंडे वाले मास्टर जी. नो अंकल प्लीज डोंट डू दैट. ओ बेचारा डॉग, अब उसके साथ सब एंड सब उसको टीज कर रहे हैं, उसका टॉय छीन रहे हैं बट वो टॉय नहीं दे रहा अपना वापस. उस टॉय की वजह से ही हुआ है तुम्हारे साथ ये सब. डॉगी इज हंग्री, उसको भूख लगी है एंड वो गंदे अंकल ने फिर से पानी डाल दिया उसके ऊपर. ओ सैड. अब वो डॉग बेकरी में घुस गया है एक अंकल और उसकी डॉटर के पीछे एंड आई डोंट नो कि वही लड़की है. लड़की बहुत खुश हो गई है वो डॉग देख के बट वो गंदे अंकल फिर से आ गए. ओह शिट, ओप्स. वो गंदे अंकल उसे पॉइजन देना चाहते हैं. डोंट, मत करो ऐसा यार. एंड वो डॉग इनोसेंट, इतना इनोसेंट है कि उसको पता ही नहीं है उस खाने में पॉइजन है. उसने स्निफ करा एंड ऑफ कोर्स इसको कौन बचाएगा. लुक एट हिज फेस, गो टू जेल. वो डॉग अब अपनी कुछ लास्ट सांसें ले रहा है. कोई उसे बचा लो प्लीज, सेव हिम. उस लड़की को पता चल गया कि डॉग बाहर है. हाउ, हार्ट कनेक्शन. पर वो डॉग मरने वाला है. इस टॉय की वजह से सब कुछ हुआ है, सब टॉय की वजह से हुआ है. क्यों भागे तुम. वो लड़की रो रही है. उस टॉय की वजह से एवरीथिंग हैपेंड बट हाउ मच द डॉग लव द गर्ल और कितना वो लड़की उसको प्यार करती थी. आई नीड अ ब्रेक गाइज, आई एम इमोशनल और मुझे रोना आ रहा है बट आई एम गोना बी स्ट्रांग. आई एम नॉट क्राइंग. हम अगली वीडियो देखते हैं. दिस वाज सैड. इसका टाइटल है बेयरली देयर. मामा यू विल नेवर बिलीव व्हाट हैपेंड. ओह सच अ क्यूट पांडा. Oh, blue eyes. I just love blue eyes. But you weren't there. Okay, sota wo utha hai. I looked all over. And wo apni mom ko yaad kar raha hai because uski mom nahi hai.
Oh, look at his eyes. हर जगह ढूंढ रहा है. Oh, who's this? कौन है ये? Shit. कोई हंटर जैसा लग रहा है मुझे. Finally, पांडा को एक हिंट मिली. उसको अपनी मॉम का जो पंजा होता है वो दिखा, पॉ दिखा. एंड नाउ वो फॉलो कर रहे हैं फुटस्टेप्स को और एक आइस के उस पे बैठ गया है जो उसे फ्लोट करा के लेके जा रहा है. आई विश, आई होप ही फाइंड्स हिज मॉम. बट पैरेलली आई सी एक मैन है जो अपना कोई हंटर ट्रक लेके आ रहा है एंड मुझे बहुत ज्यादा डाउट है कि ये अटैक करने वाला है पांडा को. बट पांडा अपना पूरा फोर्स लगा के जा रहे हैं. यस, बट इट वाजंट यू. ओह नो, हंटर ने वही किया जिसका मुझे डर था. ही अटैक द पांडा. व्हाई? यस, दैट्स अ मॉन्स्टर. रन अवे पांडा, रन अवे. गुड, वेरी गुड. तो हमने एक कहावत पढ़ी थी कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है, तो वही हुआ. उसने शूट करा और वो पूरा आइसिकल जो था वो टूट गया. एंड आई एम श्योर ये हंटर इज गोना डाई. ही शुड डाई. ओह, आई फाइनली फाउंड यू. आई थिंक पांडा को उसकी मॉम मिल गई. आई थिंक वो हंटर के घर में है. He's happy. वो खुश है. Mama, you'll never believe what happened. And yes, उसको उसकी मॉम मिल गई. The sun woke me up. Oh. But you weren't there. Oh no, guys, no. I can't. मैं नहीं देख सकती यार. यार हमें एनिमल की स्किन, एनिमल के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना चाहिए. एनिमल्स में भी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं. एंड हैट्स ऑफ जिसने भी ये वीडियो बनाई. लाइक इट्स रियली इमोशनल एंड कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है. आई डोंट वांट टू सी दीस वीडियोस. मुझे नहीं देखनी आगे. सो ये वीडियो डैडी डॉटर की एक स्टोरी है. डैडी इज द स्वीटेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड. Daddy is the most handsome man. The smartest. Of course. Har ladki ke liye uska father sabse handsome and sabse smartest. The most clever. Right guys and girls. The kindest. He is my Superman. Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy's so happy. Daddy is just great, but... But what but? He lies. Daddy, why? झूठ क्यों बोलते हो आप? What happened? क्या हुआ? एक फादर अपनी डॉटर से झूठ बोलता है, बट क्यों? He lies about having a job. Oh, उसके डैड के पास जॉब नहीं है. He lies about having money. Oh, and they don't have enough money. And वो कितनी मेहनत करके अपनी बेटी के लिए कमाता है. He lies that he is not tired. ये बेसिकली एक लड़की के डैडी की स्ट्रगल्स दिखा रहे हैं, एक सिंगल पेरेंट की स्ट्रगल. He lies that he is not hungry. वो अपनी डॉटर को पहले खिलाना चाहता है चाहे खुद उसे भूखा रहना पड़े. That we have everything. एंड वो अपनी डॉटर को ये बिल्कुल भी फील नहीं कराता कि उसके पास पैसे नहीं है, बट स्टिल उसकी डॉटर को सब पता है. He lies about his happiness. He lies because of me.
ये लाइफ इंश्योरेंस की एड थी एंड इट मेड मी क्राई लाइक एनीथिंग. ये होती है एड्स, मतलब सीरियसली इट इज इमोशनल. ये बहुत इमोशनल है वीडियोस. बहुत डिफिकल्ट है रेजिस्ट करना अपने इमोशंस को. यू गाइस पास दिस टेस्ट, आप लोग जीते या फेल हुए डू टेल मी इन द कमेंट्स. एंड अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो वो भी मुझे बताना इन द कमेंट्स. एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो. इफ यू डिड स्मैश दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल. हम लोगों को 1 मिलियन करना है बहुत जल्दी. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.